मैं डॉक्टर प्रीति सिंह। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और उसके लक्षण क्या हैं? कोरोना वायरस के लास्ट वेव और अभी में क्या डिफरेंसेस हैं? कोरोना वायरस के अगर लास्ट वेव की बात करते हैं तो पहले 2 से 4 पेशेंट्स जो है वो इन्फेक्टेड होते थे, लेकिन अगर हम अभी की वेव की बात करते हैं तो 7 से 10 लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। कोरोना वायरस हवा में बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसके लिए हमें सर्जिकल मास्क लगाने की जरूरत है। सर्जिकल मास्क के ऊपर हम कपड़े वाला मास्क भी लगा सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसका स्ट्रेन इस पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो प्रिकॉशन के तौर पे हमें डबल मास्क लगाने की जरूरत है। जो पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, उन्हें भी अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। लेकिन जो पेशेंट्स जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उनमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। कोरोना वायरस में अगर हम देखते हैं तो पिछले वेव में सिम्टम्स आने में थोड़ा 2 से 6 दिन का टाइम पीरियड लगता था, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो सिम्टम्स जल्दी से आ रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में सिम्टम्स लेट भी आ रहे हैं। दोनों चीजें हो रही हैं, इसलिए अपना बहुत ही ध्यान रखें।